वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ दिस लोकेलिटी दैट प्रोजेक्ट। मैं हूं नेहा नागपाल और मैं हूं ग्रेटर नोएडा की उस लोकेलिटी में जहां पे परियों का आशियाना है। जी हां, आप सही समझे, मैं हूं ग्रेटर नोएडा के सबसे फेमस और सबसे पुराने पॉइंट परी चौक पर। परी चौक जहां काफी सारी रेजिडेंशियल ऑप्शंस देता है, वहीं यहां पे काफी कंपनीज के प्रेजेंस होने के कारण इसको एक उम्दा कमर्शियल हब भी कहा जा सकता है। इट इज सो वेल प्लेस कि नोएडा जाना हो या दादरी या फिर सूरजपुर या देखी और या फिर आगरा या लखनऊ, यहां से बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए देखते हैं परी चौक की वैल्यू को और क्या क्या बढ़ाता है और यहाँ पे रियल एस्टेट बायर के लिए और क्या क्या है। नोएडा ग्रेटर नोएडा जहाँ पे खत्म होता है या फिर यूं कहें कि जहाँ पे ग्रेटर नोएडा शुरू होता है, उस एंट्री पॉइंट को परी चौक कहते हैं। उद्योग विहार हो या गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा एक्सटेंशन या दादरी, ये सब लोकेलिटीज यहाँ से 20 से 30 मिनट की दूरी पर हैं। दिस इज नॉट ऑल, द सून टू बी ऑपरेशनल मेट्रो विच इज गोइंग टू बी देयर एट परी चौक विल गिव अ न्यू डायमेंशन टू दिस लोकेलिटी। परी चौक का अपना मेट्रो स्टेशन यही गोल चक्कर के पास बना हुआ है। इसके शुरू होते ही वन कैन रीच टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड फर्दर टू एरियाज ऑफ दिल्ली इन द कंफर्ट ऑफ अ मेट्रो। यहां से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 50 किलोमीटर दूर है वाया नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जहां पहुंचने में आपको लगेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन यहां से 35 किलोमीटर और 1 घंटा दूरी पर है और आनंद विहार बस अड्डा यहां से 35 किलोमीटर और 1.5 घंटे की दूरी पर है। परी चौक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत खास बनाता है। अपार्ट फ्रॉम द अपकमिंग मेट्रो, यहाँ पर बस सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। UPSRTC की गवर्नमेंट बसेस इंश्योर करती हैं कि अगर आपको आउट स्टेशन जाना है या फिर दिल्ली या नोएडा, आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑटो रिक्शाज और कैब्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, यहाँ पे पीक आवर्स में जैम बहुत रहता है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। देयर आर मेनी अट्रैक्शंस नियर परी चौक। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और सूरजपुर बर्ड सेंचुरी इस लोकेलिटी के 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोकेटेड है। परी चौक के पास से गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे। आपको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में ये एक्सप्रेसवे ताजमहल भी पहुंचा देता है। ग्रेटर नोएडा के कुछ बेहतरीन मॉल जैसे कि ओमैक्स, MSX मॉल, अंसल प्लाजा और द ग्रैंड वेनिस मॉल, ये सब यहाँ से 2 से 7 किलोमीटर के अंदर है। 3 से 7 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पे आपको 8 हॉस्पिटल, जिसमें से एक है कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, और कम से कम 10 स्कूल इंक्लूडिंग JP इंटरनेशनल स्कूल एंड GV गोयनका पब्लिक स्कूल मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी IT और कॉरपोरेट ऑफिस हैं जैसे कि एडविन नेविस बिजनेस पार्क, यूनिटेक इंफोस्पेस, लोटस बिजनेस पार्क, टेक बुलेवार्ड और HCL टेक्नोलॉजीज SEZ, जो कि आपको 4 से 8 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएंगे। नॉलेज पार्क 1, 2 एंड 3, जहां पर भरमार है कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट की, यहां से 5 से 7 किलोमीटर के अंदर है। यहां गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी और IIMT जैसे कॉलेजेस पाए जाते हैं। परी चौक पे आपको पुलिस की प्रेजेंस काफी दिखाई देगी। यहां पे आपको वेलिट रोड्स मिलेंगी और रेस्टोरेंट देर रात तक खुले मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन और कमर्शियल हब्स होने के कारण यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम देखा जाता है। एंड दैट इज द मेन रीजन दैट अथॉरिटीज हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू रीडिजाइन परी चौक फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैफिक। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। परी चौक के आसपास डेल्टा, बीटा, गामा और अल्फा जैसे सेक्टर्स हैं। ये सब रेजिडेंशियल लोकेलिटीज हैं। यहाँ पे आपको हर तरीके की और हर बजट में प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ज्यादातर इंडिपेंडेंट हाउसेज और गेटेड सोसाइटीज ही मिलेंगी, जो कि आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं। ऑक्यूपेंसी रेट भी इस लोकेलिटी में काफी अच्छा है। आंकड़ों के हिसाब से परी चौक में आपको 60-70% ऑक्यूपेंसी रेट मिलता है, जो कि ग्रेटर नोएडा के बाकी हिस्सों से काफी बेहतर है। अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट होने के कारण यहाँ पे काफी चहल पहल भी रहती है। परी चौक में आपको 1, 2 एंड 3 BHK मिल जाएंगे। 1 BHK जिसका साइज 450 स्क्वायर फीट से लेकर 1250 स्क्वायर फीट तक जाता है और प्राइसेस 23 लाख से लेकर 53.2 लाख तक जाते हैं।
A 2 BHK which starts from the size of 700 square feet is available till 1705 square feet. The price of this apartment starts from 31 lakh and goes up to 72 lakh. If you talk about 3 BHK, so ye property aapko 1275 square feet se shuru hokar 3350 square feet tak mil jayegi. Iske prices 60 lakh se shuru hote hain aur 1.4 crore tak jate hain. Agar aap is locality mein rent ke liye apartment dekh rahe hain, to yahan pe aapko 1 BHK 6000 se lekar 25000 monthly rent pe mil jayega aur 2 BHK 7000 se lekar 35000 monthly rent pe milega. Agar 3 BHK ki baat kare to ye property aapko 8000 rupees monthly rental se lekar 55000 monthly rental tak milegi. Ab baat karte hain ki yahan pe log zyadatar kya pasand kar rahe hain. Sale ke liye yahan pe 2 aur 3 BHK multi story apartment hi zyada preferred hai, jiska size 1490 square feet se lekar shuru hota hai aur jata hai 2150 square feet tak aur prices 35 lakh se lekar 1.5 crore tak jate hain. Rent ki baat kare to yahan pe aapko 2 aur 3 BHK hi sabse preferred property type milegi, jiska size 1000 square feet se lekar 1500 square feet tak jata hai aur prices 7000 per monthly rental se lekar 12000 per monthly rental tak jate hain. Yahan pe zyadatar buyers service class hain या फिर दिल्ली से वो लोग जो दिल्ली के पॉल्यूशन से दूर रहना चाहते हैं और खुली और ग्रीनरी वाली जगह पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो ही परी चौक के आसपास खरीद रहे हैं। रेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको टेनेंट कम दिखाई देगा, ये लोकैलिटी में ज्यादातर एंड यूजर्स की संख्या ही ज्यादा दिखाई देगी। चलिए अब रिव्यू करते हैं परी चौक में मैजिक ब्रिक्स पर टॉप 3 सर्च प्रोजेक्ट, जेपी ग्रीन्स द स्टार कोर्ट, एनआरआई रेजिडेंसी एंड जेपी ग्रीन्स द क्रेसेंट कोर्ट। अगर हम जेपी ग्रीन्स द स्टार कोर्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 5.5 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें 9 टावर्स के अंदर 2 और 3 बीएचके हैं और 504 यूनिट्स हैं, जिनका साइज 1555 से लेकर 2428 स्क्वायर फीट तक है। प्राइसेस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट आपको 33 लाख से लेकर 1.2 करोड़ तक मिल जाएगा। द प्रोजेक्ट हैज क्लब हाउस, जॉगिंग एंड स्ट्रोलिंग ट्रैक, प्राइवेट टेरेस गार्डन एंड किड्स प्ले एरिया। एनआरआई रेजिडेंसी इज स्प्रेड इन 11 एकर्स। It has 11 towers and has got 3 and 4 BHKs in 1052 units, jinka size 1135 se lekar 2200 square feet tak jata hai aur prices 53 lakh se lekar 60 lakh tak jate hain. The project has clubhouse, banquet hall, swimming pool with reserved parking and indoor games room. JP Green's Crescent Court 14 acres mein bana hua hai, jisme aapko 6 towers aur 1 2 aur 3 BHKs mil jayenge. इस प्रोजेक्ट में 250 यूनिट्स हैं, जिनका साइज 1250 से लेकर 3350 स्क्वायर फीट तक जाता है और प्राइसेस 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 90 लाख तक जाते हैं। द प्रोजेक्ट हैज क्लब हाउस, जॉगिंग एंड स्ट्रोलिंग ट्रैक, आउटडोर टेनिस कोर्ट विद मल्टीपर्पज हॉल एंड किड्स प्ले एरिया। अगर आप एक ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जो दिल्ली से थोड़ी दूर हो पर आपको साथ ही अच्छी कनेक्टिविटी, ओपन स्पेस और क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, तो परी चौक आपके लिए एक अच्छी लोकैलिटी साबित हो सकता है। ये ही नहीं, ये लोकैलिटी आपको एक वेल एस्टैब्लिश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल हब्स नियर बाय प्रोवाइड करता है। बट वन थिंग टू कीप इन माइंड एंड दैट इज द ट्रैफिक जैम राइट एट द रोटरी। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। परी चौक के बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फॉलो करें मेरे ट्विटर हैंडल पे। मेरा ट्विटर हैंडल है @NehaNagpal। अगर आपको कोई क्वेरी भेजनी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज मैजिक ब्रिक्स को YouTube पे सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाइए।